हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्क लग्न में मंगल देव की नवम भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर मार्स कैंसर असेंडेंट के नाइन्थ हाउस में प्लेस हो जाए तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंगल जो है कर्क लग्न में एक योग कारक प्लैनेट की तरह हम देखते हैं, ऑस्पिशियस है क्योंकि इसके पास एक केंद्र का हाउस है, एक त्रिकोण हाउस है। त्रिकोण हाउस पांचवा है जो हमारे बच्चों का है, हमारी एजुकेशन का, एकेडमिक एजुकेशन का या ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन का है। और पांचवें घर का संबंध हमारी लव लाइफ के है, लव लाइफ से है, रोमांस से है, सेल्फ एक्सप्रेशन से है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी से है, फिल्म इंडस्ट्री से है। और पांचवें घर का संबंध पूर्व पुण्य हाउस कहते हैं इसे, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के जो फल मिलते हैं वो पांचवें घर से देखे जाते हैं, कनेक्शन इसका पिछले जन्म से भी है। और पांचवें घर का संबंध स्पेकुलेटिव मार्केट से, अनसर्टेन गेन्स से। एक तो गेन्स होते हैं जो रेगुलरली हमें किसी भी ऑक्यूपेशन में या सर्विस में मिलते रहते हैं, हमारी इनकम, सैलरी, डे टू डे की नॉर्मल इनकम। एक होता है अनसर्टेन गेन्स जो अचानक हमें बड़े गेन्स मिल जाते हैं, वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और दोस्तों, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड मंगल है। अब मंगल नाइन्थ हाउस में आ गया, मंगल दसवें घर का भी मालिक है जो कर्म भाव है, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। अब देखिए, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ में आ गया तो एक ट्राइन और केंद्र के हाउस का लॉर्ड नाइन्थ में आ गया। नाइन्थ भाग्य का भाव है, बहुत ऑस्पिशियस है, वहां पर 12 नंबर राशि पड़ी हुई है जो कि गुरुदेव की है। गुरु भी इस चार्ट में पॉजिटिव प्लैनेट है, यानी कि बहुत ही कारक प्लैनेट है। तो गुरु की राशि में मंगल का जाना, इट इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस। ये बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस है और ये नंबर वन प्लेसमेंट है। अब बस 12 नंबर में अगर मंगल देव पांचवें घर से रिजल्ट्स जो हम करेंगे नाइन्थ हाउस में, 12 नंबर राशि में नाइन्थ हाउस में क्या प्रभाव देगा, पहले तो हम इसको डिस्कस करें, फिर हम ये देखेंगे दसवें घर का लॉर्ड अगर नाइन्थ में आता है तो क्या हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पांचवा घर है हमारा पूर्व पुण्य हाउस, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के फल जो लेने हैं हमें, तो इसका मतलब लास्ट लाइफ में हमने कुछ बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं जिसका फल हम इस लाइफ में लेने जा रहे हैं ड्यू टू दिस प्लेसमेंट। एक ट्राइन हाउस का लॉर्ड दूसरे ट्राइन हाउस में, दिस इज वंडरफुल प्लेसमेंट। और इसका मतलब यह है कि हम भाग्यशाली हैं, फॉर्चुनेट है। फॉर्चुनेट किस में है? अपनी संतान को लेके, और पांचवें घर के सारे रिजल्ट्स को लेके फॉर्चुनेट है, और कर्म भाव को लेके, अपने कर्म को लेके, या पिता की वेल्थ या पिता की फैमिली को लेके या पिता को लेके, पिता के घर ही तो बैठा हुआ है। अब हमारी जो संतान होगी, यहां पर वी विल बी ब्लेस्ड बाय विद ए सन फॉर श्योर इन दिस प्लेसमेंट। और हमारे बच्चे जब पैदा होंगे, हमारा भाग्य आउटशाइन करेगा। आवर चिल्ड्रन विल बी फॉर्चुनेट फॉर अस। जैसे कहते हैं ना कि शादी के बाद इस आदमी का भाग्य चमक गया, यहां बच्चे के होने के बाद ये भाग्य चमकेगा इस आदमी का, फर्स्ट चाइल्ड होने के बाद। और चाइल्ड विल बी वेरी लकी, हाईली एजुकेटेड, वेरी डेयरिंग, वेरी वाइज, एंड ही कैन ऑल्सो हैव ए लॉट ऑफ ट्रेवल्स इन हिज लाइफ। फॉरन एजुकेशन भी उसकी हो सकती है बच्चे की। अब दूसरा, पांचवें घर से हम देखते हैं रोमांटिक लाइफ, तो हमारी जो रोमांटिक लाइफ होगी वो भी भाग्यशाली होगी। जिस इंसान से हम प्यार करेंगे वो हमारे लिए भाग्यशाली होगा। जिस दिन से हमारा रोमांस शुरू होगा उस इंसान से, हमें डेस्टिनी सपोर्ट करने लगेगी। दिस इज वेरी वंडरफुल आई मीन प्रेडिक्शन, क्योंकि रोमांस के घर का लॉर्ड डेस्टिनी से कनेक्ट हो गया। और जिस इंसान से हमारा रोमांस रहेगा, प्यार रहेगा,
उसका कनेक्शन भी हमारा कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से हो सकता है, बिकॉज पांचवें घर का मालिक हमारी डेस्टिनी से कनेक्ट हो गया। पिछले जन्म पूर्व पुण्य हाउस है, पिछले जन्म के घर का मालिक डेस्टिनी से कनेक्ट हो गया, बाय चांस हमें मिल गया। इट इज ऑल्सो ए वेरी ऑस्पिशियस प्रेडिक्शन। स्टॉक मार्केट में, स्पेकुलेटिव मार्केट में हम गेंस लेंगे, यहां पर अनसर्टेन गेंस हमें मिल सकते हैं, बिजनेस में बड़े गेंस मिल सकते हैं, और क्रिएटिव एक्सप्रेशन हमारा बहुत ही लाजवाब रहेगा, यानी कि हम बातचीत करने में बहुत निपुण होंगे, बहुत विल पावर हमारी अच्छी होगी, बहुत वाइज होंगे, फार साइटेड होंगे और इंटेलिजेंट होंगे। पांचवा घर हमारी ग्रेजुएशन का है और नौवां घर हमारी हायर एजुकेशन का है, तो हमारी हायर एजुकेशन भी बड़ी आसानी से हो जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अबव अगर हम करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगी विदाउट एनी हर्डल। और पांचवें घर से हम देखते हैं बुद्धि, अपनी बुद्धि, हमारा ब्रेन बहुत अच्छा होगा, हमारा ब्रेन इमेजिनेटिव होगा। 12 नंबर साइन है, इमेजिनेशन का साइन है, क्रिएटिव साइन है, तो वी विल बी वेरी इमेजिनेटिव इन आर अप्रोच। हम एक्शन ओरिएंटेड होंगे, पैशनेट होंगे, इमेजिनेटिव होंगे, हाईली एजुकेटेड होंगे, हमारे बच्चे हमारे लिए लकी रहेंगे और हमारी जो रोमांटिक लाइफ है दैट विल ऑल्सो बी ए ब्लेसिंग फॉर अस। ये सारी चीजें यहां पर मिलेंगी। अब देखते हैं दसवां घर, जिसका मंगल, जिसका मालिक मंगल यहां दसवें घर का भी है, तो दसवां घर है हमारा पिता की फैमिली का, नौवां घर हमारे पिता का है, तो यहां पिता की ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगी, पिता से हमारा प्यार होगा, गुरुओं का आदर करने वाले होंगे, इंटरनेशनल ट्रेवल्स करने वाले होंगे, हायर एजुकेशन हमारी विदेश में हो सकती है, और डिवाइन ब्लेसिंग यहां पर हमारे साथ हमेशा रहेगी, हम कहीं फंस नहीं सकते इस प्लेस में, हम कहीं भी लाइफ में फंस गए तो कोई ना कोई डिवाइन पावर हमें बचा लेगी। दिस इज सच ए ऑस्पिशियस प्लेसमेंट। दसवें घर का मालिक जब नौवें में आ जाता है तो ये एक राजयोग के समान है। किसमें राजयोग? प्रोफेशन में, कैरियर में। कैरियर हमारा बहुत ही ब्लॉसमिंग होगा, बहुत ही शाइनिंग होगा, बहुत ही प्रॉमिसिंग होगा, क्योंकि कैरियर के घर का मालिक अगर हमारे डेस्टिनी में आ गया तो डेस्टिनी विल सपोर्ट अस इन राइजिंग इन आर कैरियर, और बड़े लोगों से हमारे ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, रिलेशनशिप्स अच्छी रहेंगी, पावरफुल लोगों से हमारा कनेक्शन रहेगा, सोशल रिस्पेक्ट जबरदस्त रहेगी, विल कमांड ए सोशल रिस्पेक्ट, विल गेट ए लॉट ऑफ अप्लाउड और अप्रिसिएशन फ्रॉम द सर्कल इन विच वी आर लिविंग। हमारा बड़ा यानी कि एक रिचनेस की तरफ हम बढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें हमें फॉर श्योर मिलेंगी। बस इसमें एक ही चीज देखनी है कि ये मंगल जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड कहीं फंसा हुआ तो नहीं है। अगर नक्षत्र का लॉर्ड बहुत ही खराब पड़ा है तब इन चीजों में अड़चने आएंगी, लेकिन मिलेंगी तब भी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए नहीं मिलेंगी। हाँ, जिस नक्षत्र में यह मंगल बैठा हुआ है, यहां तीन नक्षत्र मिलते हैं दोस्तों। पहला नक्षत्र मिलता है यहां पर पूर्व भाद्रपद, जिसका एक ही चरण है, गुरुदेव का नक्षत्र है, बहुत ऑस्पिशियस है, मंगल उस नक्षत्र में बहुत कंफर्टेबल है। गुरु के नक्षत्र में अगर पूर्व भाद्रपद में यहां मंगल देव है और गुरु भी कहीं अच्छा है तो ये सारी चीजें मिलेंगी जो हमने अभी आपसे डिस्कस की। अगर गुरु कहीं बहुत ही खराब है, नीच का गुरु भी अच्छे फल देगा, ऐसा नहीं सोचो कि नीच का गुरु हमें खराब फल देगा, यानी कि अगर सातवें में है, लेकिन अगर गुरु छठे आठवें बारहवें में है तो कुछ डिफिकल्टीज ऑब्स्ट्रक्शंस हमें जरूर हमारे जर्नी में रहेंगी, लेकिन हमें चीजें सभी तब भी मिलेंगी, कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए मिलेंगी, कुछ अड़चनों में से निकलते हुए मिलेंगी, तो हमारी लाइफ का जो पाथ है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि डेस्टिनी का यहाँ कनेक्शन है। अगर डेस्टिनी में उलझने आ गई तो फिर हमें वो उन उलझनों में से निकलना पड़ेगा ड्यू टू द बैड प्लेसमेंट ऑफ द लॉर्ड ऑफ नक्षत्र इन विच मार्स इज प्लेस्ड, वो आपने देखना है। अब दोस्तों दूसरा यहाँ नक्षत्र मिलता है उत्तर भाद्रपद, जो शनि का नक्षत्र है। शनि तो बहुत सबसे बड़ा मारक है इस कुंडली में। अब देखिए शनि के नक्षत्र में अगर यहाँ मंगल है तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है,
एक तो एनिमी साइन का नक्षत्र है, एनिमी प्लैनेट का नक्षत्र है, दूसरा शनि की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। देखिए जब शनि की प्लेसमेंट सपोर्टिव अच्छी हो, ऑस्पिशियस हो, तो यहां कुछ नहीं होगा, यहां मंगल से शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेगा। मंगल एक्शन का कारक है और शनि जो है वो उसको हम काल पुरुष कुंडली में कैरियर वगैरह घर का लॉर्ड है, इनकम के घर का लॉर्ड है, और इस चार्ट में शनि सातवें और आठवें घर का लॉर्ड है, तो शनि की प्लेसमेंट अगर अपनी ही सातवें घर में पड़ी हुई है या एग्जॉल्टेड साइन में है या किसी अच्छे घर में है तो यहाँ रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। थोड़ा इरिटेशन वगैरह रहेगी क्योंकि शनि का नक्षत्र उत्तर भाद्रपद ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता मंगल उसमें, और डिफिकल्ट नक्षत्र है वो, तंत्र मंत्र का नक्षत्र है और मिस्टीरियस है। अब तीसरा नक्षत्र जो यहां मिलता है वो रेवती है, बुध का नक्षत्र। हालांकि बुध भी मारक है इस चार्ट में, लेकिन कोई बात नहीं, अगर बुध के नक्षत्र में यहां पर मंगल बैठा हुआ है रेवती में, बुध की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए बस। बुध की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो यहां मंगल के अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे आप। बुध की प्लेसमेंट अगर खराब है तो अड़चनों के साथ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अच्छे मिलेंगे, अच्छे इसलिए मिलेंगे कि मंगल अपना अपना काम तो करेगा ना, अपना घर है उसका ऑस्पिशियस वहां भी है, तो कुछ अड़चनें जरूर रहेंगी, कुछ इरिटेशंस, कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ डिफिकल्टीज, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस, कुछ हिंड्रेंसेस जरूर रहेंगी आपकी लाइफ की जर्नी में, बट अल्टीमेटली यू विल बी ए विनर एंड यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। दिस इज सच ए प्लेसमेंट। और यहां बैठा हुआ मंगल देखेगा बारहवें घर, बारहवां घर है हमारा फॉरेन कंट्री का, यहां अगर मंगल आ जाए आप फॉरेन कंट्री में सेटल हो सकते हो, और या फिर अगर आप अपने कंट्री में रहे तो थोड़े से खर्चे वर्चे बढ़वा देगा मंगल, खर्चे बहुत करवाएगा, ट्रेवल्स बहुत करवाएगा, ट्रेवलिंग में ही खर्चे होंगे, कुछ बीमारी वगैरह के खर्चे भी आ सकते हैं, कुछ अनाशनाप खर्चे भी आ सकते हैं, उल्टे सीधे या नहीं है। अब इसकी सातवीं दृष्टि रहेगी मंगल देव की नाइन्थ से थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में सेवंथ एस्पेक्ट रहेगा और थर्ड हाउस में छह नंबर राशि है, तो थर्ड हाउस से भी मंगल जो है पराक्रमी बनाएगा आपको, हार्ड वर्किंग बनाएगा, और बस यही रिजल्ट्स हैं, हार्ड वर्किंग बनाएगा और भाग दौड़ खूब करवाएगा, मेहनत करवाएगा और अच्छे रिजल्ट्स देगा। और मंगल की आठवीं दृष्टि जो है चौथे घर पर पड़ेगी जहां शुक्र की राशि है, तो आदमी की लाइफ में फोर्थ हाउस के सुख काफी रहेंगे। यानी ये सुख क्या रहेंगे, आपका मकान है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल्स हैं, ये सारी चीजें मंगल आपको ब्लेस करेगा नाइन्थ हाउस में, एंड पूरी लाइफ टाइम में आप बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज बनाओगे, दो चार प्रॉपर्टीज मिनिमम आपकी बनेंगी अगर आपने जीरो से शुरू किया है तो, और अगर ऑलरेडी आपका सेकेंड हाउस ब्लेस्ड है या फोर्थ हाउस ब्लेस्ड है, पेरेंटल प्रॉपर्टीज भी हैं, तो फिर यहाँ मंगल आपकी एडिशन ही करेगा अपनी प्रॉपर्टीज में, क्योंकि मंगल भूमि कारक है और भाग्य में जब बैठ गया तो कई तरह की प्रॉपर्टीज बन जाती हैं, और अर्ली एज में यानी कि 28 साल के बाद ही आपकी पहली प्रॉपर्टी बन जाती है। तो दोस्तों ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको यहाँ मंगल की प्लेसमेंट देगी, एंड दिस इज ए ब्लेस्ड प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू आर रीडिंग्स और स्टडी इन स्क्रिप्चर्स। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल फॉर द डे, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और एल्स विल सी यू सून, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स, विल सी यू सून, गुड बाय।